दोस्तों, रक्षाबंधन पर अपने भाई को गलती से भी ये राखी कभी मत बांधना, और अगर आपने ऐसा किया तो आपके भाई के ऊपर संकट आ सकते हैं, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप ऐसी राखी बांधने के बाद उसे बचा भी नहीं पाएंगे, उसका बुरा समय शुरू हो सकता है। जाने रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोस्तों, भाई बहन के पवित्र रिश्ते, रक्षाबंधन का त्योहार। इस साल रक्षाबंधन पर घर घर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए गलती से भी इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं बनना चाहिए, घोर पाप माना जाता है। समस्त 33 कोटि देवी देवता भाई बहन के अटूट रिश्ते को आशीर्वाद देने आते हैं, इसी कारण घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा दारू धूमपान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में पूरे 31 अगस्त को राखी बांधी जा सकती है, और अगर आपने गलती से भी अपने भाई को काले रंग की राखी बांध दी तो उसका अशुभ समय शुरू हो जाएगा, उसके साथ इतना बुरा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आपके भाई का सर्वनाश हो जाएगा और वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। पूजा तक भाई और बहन को भूखे पेट रहना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि खाली पेट पूजा करने से भाई और बहन की पूजा सफल होती है और भाई बहन का प्यार और मजबूत होता चला जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने भाई से सच्चा प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना, भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के लिए अपने हाथों से बना खाना और मीठी खीर जरूर खिलाएं, भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, भाई को भूखे पेट घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने भाई से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना, भगवान कृष्ण सदा आपके भाई पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। धन्यवाद।